हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा आयुष्मान भारत योजना पर। ठीक है, आयुष्मान भारत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार कर सकते हो SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को ही वॉच कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हो, उनकी भी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो रेफरेंस के लिए, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे यहाँ पर, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप कवर कर सकते हो, और एसे और लेटर्स दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, आपको अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो शुरुआत कैसे करनी है इस टॉपिक की, वो चलिए बता देते हैं। अब देखो, कोई भी योजना होगी, कोई भी सरकारी योजना होगी, तो उसके लिए मेन मेन चीज़ें क्या होगी कि सबसे पहले आपको उसकी लॉन्च डेट पता होनी चाहिए, किन लोगों के लिए है वो स्कीम ये पता होना चाहिए, कौन इसको बेसिकली इनिशिएट कर रहा है, मतलब अनाउंसमेंट कौन कर रहा है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इस तरह के फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको मेन पता होने चाहिए। राइट, तो शुरुआत आप इन्हीं से करोगे, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान ऑल्सो नोन एज आयुष्मान भारत लॉन्च्ड ऑन 23rd September 2018। ठीक है, यानी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान या फिर योजना है, इसको हम लोग आयुष्मान भारत योजना भी बोलते हैं, और इसको लॉन्च कब किया गया, 23 सितंबर 2018 को किया गया। राइट, दिस स्कीम इज मीन्ट फॉर पुअर एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल। ठीक है, यानी जो ये स्कीम है ये स्पेसिफिकली पुअर और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो लोग हैं उनके लिए है। राइट फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत स्कीम डीम्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम कवरिंग ओवर 50 करोड़ बेनिफिशरीज। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम या फिर प्रोग्राम बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें मोर देन 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, 50 करोड़ से भी ज़्यादा इसके बेनिफिशरीज हैं। राइट, इसीलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसको बोला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो इसके बारे में। द स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय PM मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच एंड वॉज साइमल्टेनियसली लॉन्च इन 445 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, जो स्कीम है इसको अनाउंस किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, कब किया, इंडिपेंडेंस डे पर, और इसको जो है लॉन्च किया गया था एक साथ 445 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, आप ये याद रखोगे 445 डिस्ट्रिक्ट में साइमल्टेनियसली इसको लॉन्च किया गया था, एक बार में ही 445 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था। राइट, तो यहाँ से आप बिल्कुल कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो इसके बारे में, इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करोगे। द आयुष्मान भारत इज अ स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ एश्योरेंस टू 10 करोड़ फैमिलीज और अराउंड 50 करोड़ इंडियंस हु विल बी गिवेन अप टू 5 लाख कवर पर ईयर। ठीक है, यानी जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसका मेन एम क्या है, हेल्थ एश्योरेंस प्रोवाइड करना 10 करोड़ फैमिलीज को और अराउंड 50 करोड़ इंडियंस को। राइट, जिनको 5 लाख का कवर दिया जाएगा पर ईयर। राइट, इस स्कीम के अंतर्गत द स्कीम आइडेंटिफाइज एज ऑक्यूपेशनल कैटेगरी ऑफ अर्बन वर्कर्स फैमिलीज 8.03 करोड़ इन रूरल एंड 2.23 करोड़ इन अर्बन एरियाज। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये जो स्कीम है इसमें ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं अर्बन वर्कर्स की, अर्बन वर्कर्स की फैमिलीज की, जिसमें 8.03 करोड़ रूरल एरियाज से बिलोंग करते हो, 2.23 जो है वो अर्बन एरियाज से, 2.33 करोड़ जो है वो अर्बन एरियाज से कवर करते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बेसिकली और डिटेल में बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आगे मूव करते हैं। द स्कीम विल प्रोवाइड कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू द सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। यानी सर्विस के टाइम पर इस स्कीम के द्वारा कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कैशलेस और पेपरलेस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी बेनिफिशियरी को। ठीक, राइट,
एलिजिबल पीपल कैन अवेल द बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट एंड लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, यानी कि जो पर्सन्स हैं जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा वो बेसिकली बेनिफिट्स ले सकते हैं इसका गवर्नमेंट और लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स से, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं इसके रिगार्डिंग, इस स्कीम के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग, बॉडी में ही इससे रिलेटेड कुछ ऑफ फैक्ट्स आप यहाँ पर ऐड करोगे, राइट। जैसे कि देर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज इन द स्कीम। अब देखो, इस स्कीम के अंतर्गत फैमिली साइज का कोई कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है, कितनी भी बड़ी फैमिली हो या फिर कोई भी एज हो, किसी भी पर्सन की एज और फैमिली साइज का कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है इसको लेकर के, राइट। आधार कार्ड इज नॉट मैंडेटरी। अब इस स्कीम के अंतर्गत आधार कार्ड मैंडेटरी भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं आधार कार्ड होना ही हो। ठीक है, वन वुड ओनली नीड टू स्टेब्लिश वंस आइडेंटिटी टू अवेल बेनिफिट्स। ठीक है, यानी जो भी पर्सन इसका बेनिफिट अवेल करना चाहता है वो जस्ट अपनी आइडेंटिटी दिखा दे बस। अंडर द स्कीम विच कैन ऑल्सो बी डन थ्रू इलेक्शन आईडी कार्ड और राशन कार्ड। ठीक है, यानी अपनी आइडेंटिटी को जो पर्सन है वो इलेक्शन आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड के द्वारा भी कंफर्म करा सकता है, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं, इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मेंबर्स ऑफ द फैमिली बेनिफिशियरी फैमिली डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग अंडर द स्कीम प्रोवाइडेड वन गोज टू अ गवर्नमेंट और एन इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन का केस बनता है तो उस केस में जो फैमिली हैं, जो मेंबर्स हैं बेनिफिशियरी फैमिलीज की, उनको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होगी इस स्कीम के अंतर्गत, राइट। हालांकि उनको गवर्नमेंट या फिर जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होगा उसमें ही जाना होगा, राइट। द नेशनल हेल्थ एजेंसी यानी NHA द एपेक्स बॉडी इम्प्लीमेंटिंग द आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है NHA है, जो है ये एपेक्स बॉडी है जो कि इम्प्लीमेंट करेगी आयुष्मान भारत स्कीम या फिर आयुष्मान भारत योजना को, राइट। तो यहाँ से आप NHA के बारे में बता सकते हो, इसके कंडीशंस भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट या फिर इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जो पर्सन है वो अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो उस केस में उसको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फ्री में अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। विदाउट एड्रेसिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज सिचुएशन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर विल रिमेन ऑफ पुअर क्वालिटी फोर्सिंग पेशेंट्स टू गो टू द प्राइवेट सेक्टर। दिस विल अल्टीमेटली बी अनसस्टेनेबल एंड इवन डेट्रीमेंटल फॉर द पुअर। ठीक है, यानी कि अगर जब तक हम ह्यूमन रिसोर्स की सिचुएशन को बेटर नहीं करते तब तक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात रहेगी। पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर जब तक पुअर क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तब तक क्या है कि जो पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही भागेंगे, प्राइवेट सेक्टर में ही जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो है अनसस्टेनेबल तरीके से, और ये काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा पुअर्स के लिए, पुअर्स के लिए, गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब होगा ये चीज़। ठीक है, उनके हेल्थ के लिए भी खराब होगी। तो ये बेसिकली आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर है उसको उसको बेटर क्वालिटी का बनाना होगा सबसे पहले, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर है उसको बेटर करने की ज़रूरत है। अगर पुअर क्वालिटी का ही बना रहा तो पेशेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में ही जाएंगे और उससे फिर इस स्कीम का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, इस तरह से अपनी राय रख सकते हो। इसके बाद देख लो, अ लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट शुड बी सेटअप। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए जो लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बेसिकली है उसको सेटअप करना पड़ेगा ताकि कैशलेस ट्रीटमेंट हो सके, राइट। सिंस अ मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज विल बी रूरल, ज़्यादातर फैमिलीज जो है वो रूरल ही होंगी, एंड सेकेंडरी एंड टर्जरी पब्लिक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सफर फ्रॉम सेवर एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी जो फैमिली यहाँ पर जो फैमिली में है वो रूरल फैमिली से होंगी और सेकेंडरी और पब्लिक जो टर्जरी पब्लिक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कई सारी एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। स्टेट गवर्नमेंट शुड अपग्रेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, उनको बेटर करने के लिए, जो एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर सजेशन देते हुए इसको कंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा टॉपिक कैसे लिखना है, कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे बेटर तरीके से। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करिएगा, और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सही फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन दे सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।